हरदोई में बाढ़ से ग्रामीणों में फैली दहशत, कई मकान गर्रा नदी में समाये। सवाईशपुर और शाहबाद में करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि नहीं होने दी जाएगी कोई समस्या, सरकारी योजनाओं का सभी को मिलेगा लाभ। अश्वनी गुप्ता, जिला संवाददाता। कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके रहने खाने या राहत सामग्री वगैरह पहुंचाने का क्या इंतजाम किया जा रहा है? जनपद हरदोई के शाहबाद और सवाईशपुर तहसील के कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण ये है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से धोनी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक गांव जहां हम लोग खड़े हैं उमरपुर पैठानी नाम है उसका, ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। इस बैरिया ग्राम पंचायत में चार मजरे हैं और चार में से एक मजरा प्रभावित हुआ है, एक मजरा अभी प्रभावित नहीं हुआ है, बट अगर शाम तक वाटर लेवल और बढ़ता है जैसी की संभावना बताई गई है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन दोनों गाँव का हमने लोगों के बीच में जाकर बातचीत किया है, घर देखे हैं उनके और नाव से भी दोनों गाँव का जाकर भ्रमण किया है, लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की है। और सात घर ऐसे हैं यहाँ पैठानी में जिनके घरों के सामने पानी आ चुका है, उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और छह घर और हैं इसी ग्राम पंचायत किसी नजरे के दूसरी तरफ जो प्रभावित हो रहे हैं उन्हें भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी किसी के घर में पानी नहीं आया है, लेकिन अगर शाम तक वाटर लेवल बढ़ता है या रात तक बढ़ता है, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं, तो कुछ घर और प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी भी घर में अगर पानी जाता है तो हम उनको सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ बाढ़ चौकी हमारी बन चुकी है, सारे अधिकारी आए हुए हैं। अब चूंकि लगातार कटान हो रहा है तो इस कटान को रोका जाना जरूरी है, इसके लिए सिंचाई विभाग की ओर से हमने कटान रोधी कार्य प्रारंभ करा दिए हैं और उम्मीद है कि शाम तक ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा तो पानी का डाइवर्जन हम करा सकेंगे। क्योंकि यहाँ उत्तर दिशा की तरफ से गर्रा नदी आ रही है जो 90 डिग्री पर कर्व है, तो 90 डिग्री पर कर्व होने की वजह से कटान तेज है, उस कटान को हमें रोकना है। शाम तक इस कटान को हम रोकने का पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, इरीगेशन के सारे इंजीनियर हमारे लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ जो हमारे परिवार के लोग प्रभावित हैं, जो जानवर प्रभावित हो रहे हैं, उन सबकी व्यवस्था हमने करा रखी है। हमारे अधिकारी यहाँ लगातार लगे हुए हैं, हम लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, इनमें मंत्री भी आई थी, उन्होंने भी बातचीत किया है लोगों से। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की भी टीम हमने लगा रखी है यहाँ, लोग स्वच्छ पेयजल पी सकें, पानी पी सकें, किसी को पानी के संबंधित बीमारी ना हो, इसके लिए हम दवाई भी बटवा रहे हैं, क्लोरीन की टैबलेट भी बटवा रहे हैं। साथ ही साथ खाद्यान्न का भी वितरण हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी को कोई असुविधा ना हो। जिनके घर प्रभावित होंगे, सरकार का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हम उनको नया घर देंगे। पूरा प्रयास यही है कि लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और हम उनको सुरक्षित रखें। लगभग जनपद में कितने गांव जो है प्रभावित हैं? अभी देखिए, जो गर्रा नदी से प्रभावित होने वाले गांव की सूची है कुल 36 गांव, जिसमें से अभी चार गांव हमारे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से एक गांव में मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारा पूरा प्रयास है कि और कोई गाँव प्रभावित हो सके, उससे पहले हम लोग वहाँ जाके सुरक्षित हैं। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं यहाँ के, उनकी बाढ़ राहत को लेकर के क्या प्रयास है? देखिए, इधर शाहबाद तहसील में और बिलक ग्राम हमारे यहाँ तहसील है, इसमें बहुत सारे गांव जो हैं बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं। इसमें हमारा उमरिया कैथानी है, आज हम इसी गांव में यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी कटाव हो रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी है और बाढ़ कटाव ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ सारे गाँव के लोग हैं, हमारे साथ जिलाधिकारी हैं, पूरी टीम मौजूद है, सब सक्षम अधिकारी यहाँ पे हैं, किसी को भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो पाए। डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, कैंप कर रहे हैं, तो कटाव को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और पानी आगे ना आए उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि आगे भी कोई दिक्कतें ना हो पाएँ। और व्यवस्थाएं पूरा गांव भी साथ में है, सब लोग गाँव वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं कि आगे पानी में ना जाएँ, पानी में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आ पाए, तो इन लोगों की कोई भी समस्या का कोई दिक्कत ना हो पाए, उसके लिए उपाय हम लोग कर सकें, उनका समाधान कर सकें, किसी को भी कोई और ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पे मिलकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल लोगों के रहने की व्यवस्था कहीं की गई है? इंतजाम किए गए हैं इन लोगों के लिए, रहने के लिए, दवाई के लिए और भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम लोग सब लोग साथ में, हमारे सारे परिवार के लोग ही हैं उमरिया के लोग, तो सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं होने देंगे इन लोगों को, हम सब लोग लगातार बीच में रहेंगे, जिलाधिकारी भी बीच में हैं, सारे और भी सक्षम अधिकारी, CMO सारे सक्षम अधिकारी साथ में हैं,
तो इन लोगों के बीच में ही हम लोग रहेंगे। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि किसी भी तरह की किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग हैं जो अपने आशियाने को तोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में, ऐसे कहाँ उन्हें पलायन कराया जाएगा, क्या उनके रहने का प्रबंध? उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था भी करवाई है, और जहाँ पे अगर इन लोगों का देखते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है, आवास वगैरह होते, तो उसके लिए आगे भी हम लोग करेंगे। कोई भी किसी तरह की समस्या इन लोगों को नहीं होने दी जाएगी। ये नदी है, और क्या आप लोगों को दिक्कत हुई? क्या तो क्या मकान तोड़ रहे हैं क्या आप लोग? क्या मकान तोड़ रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे आप लोग? आप कहाँ जाएंगे आप लोग? प्रशासन के लोग मिले थे आपसे, कुछ मदद की आपकी? क्या नाम है आपका? राम बेटी नाम है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।